नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए रुक करते हैं सबसे पहले देवघर से। घर के आसपास रखे सफाई करे कर्मियों का सहयोग। देवघर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम को बेहतर अंक दिलाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देवघर को अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में लोगों की सहायता के लिए मंगलवार को MSWM की ओर से विभिन्न मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाया गया। नाबालिग को अगवा कर देवघर में की शादी, 3 युवकों ने किया गैंगरेप। आनंदपुर ओपी क्षेत्र में एक गांव की नाबालिग ने 3 नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध अगवा कर देवघर ले जाकर गैंगरेप करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में पीड़िता के बयान पर जमुई के सिमुलतला स्थित सियाटाड़ निवासी रवि ठाकुर, पिरौंदिया निवासी अरविंद यादव व डरवा निवासी बबलू कुमार को नामजद व एक अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। सोमवार को SDPO प्रेमचंद सिंह ने आनंदपुर ओपी पहुंचकर पीड़िता व उसके परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साइबर अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 13 गिरफ्तार। झारखंड से संचालित साइबर क्राइम का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देवघर जिले के विभिन्न टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर साइबर अपराध के 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लैपटॉप भी जब्त किया गया है। पुलिस साइबर ठगी के तरीकों को जानने के लिए लैपटॉप की जांच कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से जामताड़ा जिले से आकर देवघर की अड्डा बनाने वाले साइबर अपराधियों का हड़कंप मच गया है। खबर अब दुमका से। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पति के सामने महिला से 17 लोगों ने किया था गैंगरेप। झारखंड के दुमका में पति के सामने महिला से 17 लोगों के गैंगरेप का सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तारी की है। इसमें एक नाबालिग भी है। इसी के साथ अब तक इस दिल दहला देने वाले मामले में 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने मंगल मोहली उर्फ मामू नाम के नामजद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। दुमका के बांस कनाली में 22 को मनाया जाएगा ग्राम प्रधान दिवस। जरमुंडी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष ग्राम प्रधान मांझी संगठन की प्रखंड स्तरीय बैठक महादेव यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जरमुंडी प्रखंड के विभिन्न गाँव में आए नायकी, कुटुम नायकी, पौराणिक जोगमांझी समेत प्रधानों ने भाग लिया। तय किया गया कि दुमका के पास कनाली में 22 दिसंबर को ग्राम प्रधान मांझी संगठन द्वारा प्रधान स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2 जनवरी को यहां सोहराय मनाने के भी प्रस्ताव किया गया है। खबर अब गोड्डा से। घर में घुस रहा नाले का गंदा पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। गोड्डा शहर के वार्ड नंबर 7 व 3 के बीच साकेतपुरी के पास स्थित कोलरा बांध का सदर SDO ऋतुराज ने कल निरीक्षण किया। उनके साथ अंदर अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला सहित विभाग के लोग मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में SDO ने जल निकासी व कोलरा बांध मुआयना किया। इस दौरान लोगों ने अधिकारी को अपनी समस्या बताई, किस तरह से वे लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं, इसके कारण घरों में गंदा पानी घुसा जा रहा है। जिले में 64,000 हेक्टेयर भूमि पर रबी फसल का लक्ष्य। जिले में इस बार मानसून में हुई अच्छी वर्षा से रबी की फसल की भी अब तक पानी की जरूरत पूरी हो चुकी है, जिसमें रबी फसल की बुआई का काम जारी है। हालांकि अपलैंड भूमि में किसानों को थोड़ी परेशानी है, जबकि नदी में बालू उठ जाने व पानी की कमी से पटवन में कुछ परेशानी है, लेकिन दूसरे स्रोत से किसान पटवन कर रबी की खेती कर रहे हैं। कुछ कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष रबी मौसम में 64,100 हेक्टेयर भूमि पर रबी फसल की बुआई का लक्ष्य है। अंतिम लीग मैच जीत महावीर व रनिंग पहुंची सुपर सिक्स में। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रही बी डिवीजन क्रिकेट लीग में मंगलवार को कन्हवारा मैदान में अंतिम 2 लीग मैच खेले गए। पहले मैच में रनिंग क्रिकेट क्लब ने मनोरंजन क्रिकेट क्लब को 75 रन से पराजित कर सुपर सिक्स में जगह बनाई। वहीं महावीर युवा क्लब ने सर्जन क्रिकेट क्लब को 16 रनों से पराजित कर सुपर सिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली। तेजस्विनी परियोजना द्वारा COVID-19 जागरूकता अभियान चलाया गया। घर पर
कोरोना से बचने का उपाय, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। तेजस्विनी कलम मखनी के द्वारा कल दिनांक 15/12/2020 को पंचायत भवन मखनी में युवा उत्प्रेरक संगम रानी के द्वारा कोविड 19 जागरूकता अभियान चला गया। इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी कलम मखनी की किशोरियों और युवतियों के द्वारा शोभा यात्रा कार्यक्रम किया गया, जो पंचायत भवन से दुर्गा टोला ब्राह्मण टोला होते हुए पंचायत भवन आया और वहाँ पर सभी किशोरियों की कोविड 19 के बारे में बताया गया। हम लोग कहीं भी जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ साबुन से धोएं एवं सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। इस कार्यक्रम में एजी YW विद्या कुमारी, दिव्या कुमारी, सुलेखा कुमारी आदि मौजूद थे। अब खबर पाकुड़ से। कार्यालय में ताला जड़ धरना पर बैठे मजदूर, मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर वन विभाग में कार्यरत अस्थाई और आधुनिक पौधशाला के मजदूरों ने मंगलवार को वन प्रमंडल कार्यालय में ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया। कार्यालय बंद करने के कारण कामकाज पर असर पड़ा, मजदूर दिन भर अपनी मांग पर अड़े रहे। मजदूरों ने वन विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। 1 अप्रैल से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है, जिसके कारण मजदूरों ने बाध्य होकर आंदोलन किया। कोरोना पर भारी बच्चों का जोश, अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगाएंगे जोर। राज्य के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 17 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इन सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। इन सभी का चयन राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में हुआ है। पहली बार कोरोना के कारण इस प्रतियोगिता के ऑनलाइन हुई है, लेकिन बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी 10 से 22 जनवरी तक वर्चुअल मोड में हुई होगी। ग्रामीण बैंक में गोल्ड लोन की सुविधा हुई शुरू। हरिनडांगा बाजार स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की पाकुड़ शाखा में मंगलवार को गोल्ड लोन का उद्घाटन वर्चुअल मोड में बैंक के चेयरमैन सुनील विनायक जोड़े ने किया। मौके पर चेयरमैन के साथ बैंक के GM NK सिन्हा व AK आदित्य मौजूद थे, जबकि पाकुड़ शाखा में रीजनल मैनेजर सुनील ठाकुर के अलावा रीजनल कार्यालय गोड्डा से आए अभिनव कुमार, प्रसून कुमार, आलोक मिठू आदि मौजूद थे। खबर जामताड़ा से। 156 करोड़ की लागत से मिहिजाम और जामताड़ा शहर के लिए बनेगा कचरा निस्तारण प्लान, की गई भूमि पूजन। शहर की साफ सफाई और स्वच्छ बनाने के लिए मिहिजाम और जामताड़ा शहर के लिए कचरा के निस्तारण प्लान का निर्माण की शुरुआत भूमि पूजन के साथ हो गई। जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के लिए कचरा निस्तारण प्लांट निर्माण के लिए भूमि का चयन लाधना स्थित बैजनाथ तड़ी गांव में किया गया, जहां प्लांट निर्माण के लिए कल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। मौके पर कार्यालय पालक पदाधिकारी सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद। जामताड़ा जिला योग प्रतियोगिता संपन्न, विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। जिला योग एसोसिएशन एवं RK कंस्ट्रक्शन के सौजन्य से आयोजित द्वितीय जामताड़ा जिला योग प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हुआ। विजेता और उपविजेताओं के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खबर गोड्डा से है। गलत रिपोर्टिंग करने पर सहायक अभियंता से शोकोज। कोरोना काल में स्कूली बच्चों को MDM का चावल और अनुदान राशि मिली है या नहीं, इसकी पंचायतवार जांच होगी। DC ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिया है। जिले भर में BLW को 4-4 पंचायत में MDM की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जिला सभागार में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान DC भोर सिंह यादव ने अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार से शिक्षा कार्यक्रम की पड़ताल की। मेहरमा प्रखंड में पूर्व में निर्मित किचन सेट को न्याय दिखाकर कागजी खानापूर्ति करने पर विभाग के सहायक अभियंता रविन्द्र कुमार सिन्हा सहित अन्य अभियंता पर शोकोज किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।